नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्ता, आप देख रहे हैं टेक टेन सेंटर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टोर प्रोसीजर के बारे में। जी हाँ, पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि कैसे आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, राइट। हमने अपने डीबी के कनेक्शन बना के और एडिटर में हमने क्या किया था कि एक प्रोग्राम लिखा था, छोटा सा प्रोग्राम लिखा था हमने। जस्ट एक टेक्स्ट यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, डीबी में आउटपुट में डिस्प्ले करा रहे थे। जैसे एक बार दोबारा रन करता हूँ, यहाँ पे जैसे हम क्लिक कर रहे थे तो यहाँ पे आता था प्रोसीजर सक्सेसफुली कम्प्लीटेड, और यहाँ पे हमने जो स्ट्रिंग कंकेटनेट की थी वो स्ट्रिंग जनरेट होके आ जाती थी, राइट। अब हम क्या करते हैं कि ये जो प्रोसीजर हमने लिख दिया है, मतलब ये जो एक प्रोग्राम लिख दिया है, नॉट ए प्रोसीजर, ये हमने एक जो प्रोग्राम लिख दिया है, इसमें आप देखेंगे ना तो ये प्रोसीजर वाइज मतलब एग्जीक्यूट होता है। क्या, पहले आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद में आपने कुछ चीजें यहाँ पे की इसके अंदर, यदि ये चीजें इनमें कुछ एरर आता है तो फिर आप क्या कर रहे हैं, एरर भी थ्रो कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, स्टेप बाय स्टेप क्या हो गया, प्रोसीजर हो गया, मतलब एक एग्जीक्यूशन हो गया। इस चीज को यदि आपको कहीं पे सेव करके रखना है तो कैसे करेंगे, तो जैसे ओरेकल डीबी में टेबल सेव होती है, राइट। अभी हम कस्टमर और ये ऑर्डर, ये सारी टेबल जो देख रहे थे पिछली वीडियोस में, तो वो सारी टेबल भी डीबी में सेव है। ऐसे ही इस सब प्रोग्राम को भी आप क्या करते हैं, सेव करके रख सकते हैं। सेव करके रखने के लिए दो ऑप्शन है, क्या, या तो आप इसको एज ए प्रोसीजर रख सकते हैं या एज ए फंक्शन रख सकते हैं। अब प्रोसीजर और फंक्शन कैसे डिसाइड होगा कि मुझे प्रोसीजर बनाना है या फंक्शन बनाना है, ये डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। आपकी एक्टिविटी क्या है, मतलब मेन टारगेट क्या है, मेन आपको रिजल्ट क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपको यदि कोई एक्शन करवाना है तो क्या होगा, प्रोसीजर हमेशा एग्जीक्यूट होगा। जैसे मुझे डीबी में कोई चीज इंसर्ट करवानी है, या डीबी से कोई चीज लेनी है, या डीबी से कोई चीज लेके प्रोसेस करनी है और फिर आउटपुट में दिखानी है, राइट, तो सिंपल सा एक प्रोसीजर हम बनाएंगे, ठीक है। यदि जो वो चीज आप कर रहे हैं, मान लीजिए कोई एक एक्शन कर रहे हैं और उसमें कोई कैलकुलेशन चाहिए, जैसे आपको चाहिए था 2+2, ठीक है, तो आप कैलकुलेटर में जब भी 2+2 करते हैं तो कैलकुलेटर में आपने इनपुट दिया 2 और 2, दो वैल्यू दी, और आपने क्या दिया कि मुझे क्या करना है, सम करना है, राइट, तो वो आपको क्या आउटपुट देता है, 4। जब फंक्शन क्या करता है, हमेशा फंक्शन हमेशा रिटर्न करता है, आपको क्या करेंगे, एक इनपुट देंगे और फिर वहां से आउटपुट आएगा, ये होता है फंक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या, यूजर कोई इनपुट नहीं दे रहा है, अभी यूजर ने कुछ नहीं दिया, जस्ट हमें डिस्प्ले कराना था, कीप लर्निंग वो सिर्फ करना था। तो इसको हम क्या बनाएंगे, एक प्रोसीजर बनाएंगे, और धीरे धीरे जब हम प्रोसीजर और फंक्शन सीखेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि प्रोसीजर क्या है और फंक्शन क्या है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको कहीं पे स्टोर करते हैं। तो जब इस चीज को स्टोर किया जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा स्टोर्ड प्रोसीजर। स्टोर कैसे कर सकते हैं इसको, इसको हमें नाम देना होगा, ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है इसका नाम देना होगा। तो बताइए क्या नाम दे इसका, इसका नाम हम दे देते हैं कीप लर्निंग ही देते हैं, राइट। तो अभी क्या करते हैं, अपन यहां पे लिख देते हैं क्रिएट प्रोसीजर। ये सिंटेक्स है, फिक्स है, यही लिखना पड़ेगा आपको, क्रिएट प्रोसीजर। जैसे आपने प्रोसीजर लिखा, यहां पे आपको आ गया आइडिया का, आईडी का सजेशन आ गया कि हाँ प्रोसीजर एक चीज है। अब उसका नाम देखो, क्या प्रोसीजर आपको बनाना है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, स्मॉल में लिखता हूं मैं, आपको कुछ और भी मेरे को दिखाना है, कीप लर्निंग, राइट। अब मैंने कीप लर्निंग लिख दिया, क्रिएट प्रोसीजर कीप लर्निंग। अब यहां पे ना बिल्कुल इंग्लिश की तरह सिंटैक्स है, जैसे अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, कीप लर्निंग तो आपने दे दिया, एक प्रोसीजर आप कीप लर्निंग का बनाना चाहते हैं, लेकिन अब वो प्रोसीजर क्या है वो लिखना पड़ेगा। तो उससे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगा दो, ठीक है, मैं जो सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको, आपने एक हेल्पिंग वर्ब लगा दिया कि हाँ जी क्रिएट प्रोसीजर कीप लर्निंग इज, मतलब अब ये नीचे वाला है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कुछ एरर थ्रो कर रहा है, यदि आप यहाँ पे जाएंगे इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्या बोल रहा है, पार्शली रिकॉग्नाइज रूल्स, ठीक है, ये बोल रहा है कि ये चीज आप इस तरीके से यहाँ डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो सिंपल सा क्या करिए, आप ये डिक्लेयर जो है ना इसको हटा दीजिए, अब देखते हैं, राइट, सारे एरर सही हो गए, है ना, इसका मतलब अभी हमारा प्रोसीजर रेडी है, बिल्कुल सही है। अब यदि कुछ एरर थ्रो करता है तो अपन एक बार रन करके देखेंगे, आप भी ऐसे ही ना कोई भी चीज जब कर रहे हैं तो लिख के देखें, रन कराएं, कोई इशू नहीं है, यदि कुछ होगा तो एरर में आपको पता चलेगा, राइट, और ऐसे ही आप अच्छी तरीके से पकड़ भी बना पाएंगे। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे इसको एग्जीक्यूट करता हूं, और अब यहां पे देखना एक बार, यहां पे पहले क्या लिखा आता था, जब मैंने यहां पे क्रिएट प्रोसीजर नहीं लिखा तो आता था PLSQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और यहां पे एक डिस्प्ले आ जाता था ये, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसको, और जैसे यहां पे रन स्टेटमेंट करता हूं तो यहां पे आता है
प्रोसीजर कीप लर्निंग कंपाइल्ड, ओके। और यहां पे कोई भी आउटपुट नहीं आया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है, ठीक है, कुछ कंपाइल हुआ है। क्या होता है कि ये सारी जो है ये डीडीएल स्टेटमेंट है, ठीक है, जो आप ये क्रिएट बना रहे हैं ये डीडीएल स्टेटमेंट है। तो ये कुछ ना कुछ चीज क्या कर रही है, डाटाबेस में आपको रन करके सेव कर दे रही है। अब यहां पे देखते हैं कि कहीं पे ये गया क्या, ये जो हमने सेव किया ये कहां पे मिलेगा। मैं तो मैं यहां पे रिफ्रेश कर रहा हूं और देखिए प्रोसीजर के नीचे एक आ गया कीप लर्निंग, राइट। अब यदि इस पे क्लिक करता हूं कीप लर्निंग पे, तो यहां पे एक विंडो खुलनी चाहिए, है ना। देखिए यहां पे कीप लर्निंग आ गया, ये रहा हमारा प्रोसीजर। अब ये क्या है, ये डीबी में सेव हो गया। अब आप इसको कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, कोई आप जब भी यहाँ पे स्टेटमेंट लगाएंगे, जब आप फ्रंट एंड एप्लीकेशन बना रहे हैं कैसे भी, तो इस कीप लर्निंग को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ये प्रोसीजर तो सेव हो गया, अब मुझे इसको कॉल करना है, राइट। तो कॉल कैसे करें, ठीक है, इसको हटा देता हूं, अभी अभी मेरे इसका काम नहीं है क्योंकि मैंने वो सेव कर ही लिया है। अब मुझे कभी भी वो चाहिएगा तो क्या करेंगे अपन, जस्ट ये प्रोसीजर में गए, यहां पे क्लिक करूंगा, देखिए ये रहा मेरा प्रोसीजर, राइट। तो अब मैंने यहां पे से क्लियर कर लिया। अब मुझे क्या करना है, ये कीप लर्निंग वाला जो मैसेज यहां आ रहा था ना, ये मुझे दिखाना है। तो अब क्या कर रहे हैं अपन, फिर से वही, मतलब जो हमारी जो स्टेटमेंट थी, मतलब जो हम सेक्शन लिखते थे, एग्जीक्यूशन सेक्शन लिखते हैं डायरेक्ट। अब डिक्लेयर विक्लेयर कुछ नहीं करना मेरे को, मैंने क्योंकि मैंने पहले कहीं पे कर लिया है। अब जस्ट मुझे ये कॉल करना है, तो कॉल कैसे कर रहे हैं, मैं बिगेन और एंड लिखता हूं, ये एक स्टेटमेंट है जो मस्ट है ना। अब आप यहां पे क्या लिखते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे कीप लर्निंग, राइट। अब क्या होगा, देखिए अब ये एरर भी शो नहीं कर रहा, नहीं तो यदि आप बिना इसके लिखते ना तो एरर शो करता। अब ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करते हैं यहां पे, देखिए दो दो इसको क्लियर कर देता हूं मैं और इसको भी क्लियर कर देता हूं, राइट। यहां पे एग्जीक्यूट करते हैं, ओहो देखिए पीएल सीक्वल प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, जो पहले हमारी कमांड आती थी, मतलब पहले जो स्क्रिप्ट आउटपुट आता था, और यहाँ पे डीबीएमएस आउटपुट में आया कीप लर्निंग टेक्निक। मतलब मैंने क्या किया, मैंने अब ये जो स्टेटमेंट लिखी है, इस स्टेटमेंट के अंदर ये प्रोसीजर जो है उसको कॉल कर लिया। अब बात आती है कि कैसे इसको कॉल करना है, मतलब ये मैंने एक सिंटेक्स लिख दिया, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कीप लर्निंग, राइट। आप यदि देखेंगे तो हमने जो क्यूरी बिल्ड किया था, है ना, जो हमने देखिए यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर में, एक बार मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो हमने स्मॉल में लिखा था, ठीक है। तो इसको आप स्मॉल लेटर से भी कॉल कर सकते हैं, कैपिटल लेटर से एक बार कॉल करके देखते हैं। और कमेंट के लिए क्या है, आपको डबल को यहाँ पे हाइफन लगाने, और ये कमेंट हो जाएगी, ये चीज कमेंट होगी। अब ये रन होगा, इसको रन करें, देखिए दोबारा आ गया, मतलब कैपिटल में भी आप कॉल कर सकते हैं। ये दो तरीके हो गए। मतलब क्या है कि आपका जो स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में कैसे भी करो, प्रोसीजर कैसे भी बनाओ, प्रोसीजर में डीबी में सेव होता है वैसे कैप्स लेटर में, लेकिन आप उसको स्मॉल लेटर में भी कॉल कर सकते हो। दूसरा एक तरीका और है आपको कहीं से, मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि हो सकता है सबका कोड लिखने का अपना तरीका होता है, ठीक है। आपने कहां से सीखा है ये बहुत डिपेंड करता है उस पर। तो कई लोग ऐसे कॉल कर रहे होंगे, इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं, यदि सही कॉल होगा तो यहां पे एक बार और आएगा कीप लर्निंग टेक यू, यदि नहीं होगा तो कुछ एरर आएगा, एग्जीक्यूट करते हैं आगे, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। एक और तरीका ट्राई करें, देखते हैं, मतलब सब चीजें ट्राई करके देख लेते हैं आप यहां पे। ऐसे कॉल कर लेता हूं मैं, अभी भी ट्राई कर लेते हैं, फिर से आ गया। तो मतलब ये कोई बैरियर नहीं है, ये कोई बैरियर नहीं है कि आप ऐसे इसको कॉल नहीं कर सकते, ठीक है, आप कॉल कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये प्रोसीजर भी बन गया, एग्जीक्यूट भी हो रहा है, और हमने आउटपुट भी दिखा दिया, और इस प्रोसीजर को हमने कॉल भी कर लिया कहीं पे, ठीक है। अब मेन, अब एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन कैसे काम करती है उस पे फोकस करके अपन क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि जब भी आप कभी किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं ना, तो देखिए आप जैसे ही लॉगिन करते हैं
तो आपको लिख के आता है हेलो, नाम लिख के आएगा हेलो सुनील दास या हेलो जो भी आपका नाम है वो वहां पे दिखाता है, मतलब डैशबोर्ड में जैसे आएंगे वेलकम टू आवर वेबसाइट या ये जो भी है, मतलब वो आपको क्या है इंटरेस्ट लिख के देते हैं। अब आप एक चीज बताइए मुझे, क्या जब वो आप लॉगिन कर रहे हैं तो वो उसको आपका नेम कहाँ से पता चल रहा है? डीबी से उठाएगा, क्योंकि आपने ऑथेंटिकेशन दिया है। फिर वो डीबी से जब आपको ऑथेंटिकेशन उठाता है तो वहां से आपका नाम उठाता है और फिर क्या करता है हेलो के साथ में उसको जोड़ देता है ना। आप यदि देखेंगे यहाँ पे डीप लर्निंग में जो हमने बनाया था प्रोसीजर, इसमें हमने क्या किया था, मैसेज प्लस में ये टैग हमने जोड़ दिया था है ना। अब हम क्या करते हैं, ऐसे ही एक प्रोसीजर लिखते हैं, एक प्रोसीजर बनाते हैं और उसमें क्या करेंगे कि नाम जो है वो डायनेमिक रखेंगे और हेलो क्या रखेंगे फिक्स रखेंगे, ताकि मुझे पैरामीटर पास करना भी आ जाए। जैसे कीप लर्निंग था, ये तो क्या स्टेटिक है। अब मुझे यदि कीप लर्निंग टेक्यू नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है, तो क्या करना होगा, इसको हमेशा क्या करना होगा, एडिट करना होगा। मतलब क्या है, इसकी क्रिएट लर्निंग को क्या करना होगा, एडिट करना होगा। अब आप यदि यहाँ पे कोई जो शार्प माइंड है ना, उनको पता चल रहा होगा कि जब हमने लिखा था यहाँ पे तो हमने सिर्फ ये चीज नहीं लिखी थी, ये क्रिएट और रिप्लेस नहीं लिखा था, हमने लिखा था क्रिएट प्रोसीजर कीप लर्निंग। तो ये और रिप्लेस क्यों आ गया, बताइए क्यों आ गया? क्योंकि देखिए जब हम यहाँ पे प्रोसीजर लिख रहे थे, मैंने जानबूझ के वो और रिप्लेस नहीं लिखा था, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाना था आपको कि जब भी आप प्रोसीजर लिख रहे हैं, यदि वो प्रोसीजर पहले से बना हुआ है, देखिए जैसे अभी मैं यदि चाहूं कि इसको हटा देता हूं मैं और यहां पे लिखता हूं वेलकम, राइट, वेलकम लिख दिया मैंने, ये हमने कॉपी किया और मैं यहां पे अब क्या करता हूं, इसको एग्जीक्यूट करता हूं अपनी वर्कशीट में, ठीक है, यहां पे एग्जीक्यूट करूं। अब ये आपको यहां पे देखिए जो भी आपका आउटपुट है वो यहां पे दिखाता है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं एक बार इस विंडो को, और इसको भी यहां पे क्लिक किया मैंने, देखिए यहां पे क्या आ रहा है, नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, मतलब कीप लर्निंग नाम का एक ऑब्जेक्ट पहले से ही बना हुआ है, इसलिए अब आप दूसरा नहीं बना सकते। इस चीज की वजह से अपन क्या लिखते हैं यहां पे और रिप्लेस, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे कुछ लर्नर्स बहुत बिल्कुल बेसिक है, मतलब उनको इस चीज के बारे में पता ही नहीं है, तो मुझे उनको बताना पड़ेगा। क्रिएट और रिप्लेस मतलब या तो क्रिएट करो या जो पहले से बना हुआ है उसको रिप्लेस कर दो इससे, ठीक है। अब पहले जो एरर आ रहा था वो ये आ रहा था है ना, अब मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करते फिर देखते क्या आता है। हमने एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे आ गया प्रोसीजर कीप लर्निंग कंपाइल जो पहले आ रहा था, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वेलकम लिखा है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूं और नो, और यहाँ पे कीप लर्निंग में देखते हैं कि क्या आया, देखिए वेलकम आ गया। अब यदि इसी प्रोसीजर को जो हम पहले कॉल कर रहे थे, हम इसी को कॉल कर लेता हूं मैं दोबारा, तो क्या आना चाहिए, स्टेटमेंट पूरी लिख देते हैं बिगेन और एंड, और यहां पे क्या करते हैं एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसको, आ गया। अब वेलकम टेक यू आ गया है ना, पहले क्या आ रहा था कीप लर्निंग टेक यू आ रहा था। तो इस तरीके से आप प्रोसीजर में चेंजेस करेंगे, पहले जो प्रोसीजर बन गए उसको क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा कोड यहाँ पे आ जाएगा और उसमें जो भी एडिट करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मतलब वो किससे होगा, और रिप्लेस जब आप लगाएंगे तब होगा। तो ये प्रोसीजर आप लिखना सीख गए, आप पहले इसकी एक बार प्रैक्टिस करिए, जितने भी लोग हैं वो ये प्रोसीजर बनाइए। अब क्या है कि कीप लर्निंग के नाम से प्रोजेक्ट इसमें प्रोसीजर नहीं बनेगा, लेकिन आप क्या करना, आप अपने अपने नाम से एक प्रोसीजर इसमें बना दो, ठीक है, मतलब जस्ट एक टेस्टिंग के लिए, ताकि मुझे भी पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग एक्टिव हैं, और वो तो पता चल जाता है लोग से भी, लेकिन आप यहाँ पे प्रैक्टिकली इसको एक बार करके देखो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप हेलो वाला प्रोसीजर बनाएंगे अलग अलग यूजर के लिए, अलग अलग आप बस उसमें नाम पास करो, वो आपके नाम के साथ में हेलो कॉन्केटनेट करके देगा, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, मतलब यहां से अब मेरा जो फुल फोकस था कि कैसे आप टेबल में इंसर्ट करना, टेबल से ला के फिर दिखाना, ये सारी चीजें हम इसमें करने वाले हैं। ओके ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।